कनौर में हल्का कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेने पहुंचे लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के सुप्रीमो राजकुमार सैनी सोनीपत लोकसभा से उम्मीदवार राजबाला सैनी को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। वहीं उन्होंने पत्रकारों से रूबरू होकर अपना नामांकन रद्द होने की बात भी बताई। उनका कहना है कि अपने कार्यकर्ताओं की इच्छा से ही वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने चुनाव लड़ना चाहते थे। देखिए न्यूज वन हरियाणा की खास खबर। जो तांडव हरियाणा में घूमता वो भेदभाव का मंजर जो जनता का था, भविष्य में हरियाणा को भुगतना और देखना ना पड़े, इस बात का उन्हें बाखूबी ज्ञान है और उस बात की पीड़ा उनके अंदर है कि जिस भेदभाव की वो खुद भी शिकार रही है, इस बात को लेकर के वो राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे आई। और कोई भी पहले दिन जब कोई चुनाव लड़ता है तो वो कार्यकर्ताओं और नेताओं से ही जीतता है। सब कल का सियासी ड्रामा जनता समझ नहीं पा रही, आपका नामांकन कैसे लगा? 9 बजे तक हम फैसल तो कार्यकर्ताओं का रुझान था कि नामांकन जो है आप खुद करो। अब 9 बजे मैं सोचता हूँ कि 9 बजे लोगों का फोन आता है मेरे पास कि आप जो है ना यहाँ हुड्डा के मुकाबले चुनाव लड़ो। अब 9 से लेकर 3 बजे के बीच में संभव नहीं थी तैयारी, इस बार तक कोशिश काफी की गई लेकिन वो कवर अप नहीं हुई। आप चुनाव लड़ रहे हैं, अगर आप उनके समक्ष चुनाव लड़ते तो मुकाबला रोचक होता, क्या मानते हैं? अभी चुनाव तो अभी मैं ही लड़ रहा हूँ, चुनाव उतना ही रोचक है। आप ये सोच आप किसी को हल्के में नहीं ले सकते। चुनाव को यहाँ पर राजकुमार सैनी के ना लड़ने का कोई प्रश्न पैदा नहीं होता, क्योंकि हमने भूपिंदर सिंह हुड्डा की 15 तारीख तक तो वेट की, लेकिन वो 20 तारीख को 21 तारीख को जो है ना 21 में नहीं 22 तारीख को उनके नॉमिनेशन की घोषणा होती है, तो उस दिन का कोई हमारे को हम फील्ड में थे कोई पता नहीं लगा, शाम को पता लगा और अगले दिन सुबह लोगों ने कहा कि अब आप हुड्डा के सामने नामांकन करें, तो वो प्रयास हमने काफी किया लेकिन वो हमारे संभव नहीं। क्या लगता है आपको राजबाला जी किस समय तक ये मैं आपको ये बता दूं कि ये जो जमात है ये दूसरी पार्टियों के मुकाबले में धरने जलूस जल से शायद ना निकाल, लेकिन जैसे सुरसरी होती है वो पूरे दाने के अंदर कहीं एक छोटा सा सुराख मार के घुसती है और पूरा ऊपर ऊपर छिलका छिलका बचा होता है अंदर घुसने होता। अब इस प्रकार की राजनीति